मलयाली मॉडल सहाना ने 12 मई 2022 को अपना 12वां जन्मदिन मनाया, लेकिन किसे पता था कि ये जन्मदिन उनका आखिरी दिन बन जाएगा। 13 मई की रात 1 बजे उनके परिवार वालों को सहाना की मौत के बारे में पता चला। सहाना की मां ने सज्जाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। सज्जाद और उसका परिवार सहाना को परेशान कर रहा था। सहाना की मां ने उन्हें अलग रहने की सलाह भी दी थी, लेकिन अलग रहने के बावजूद भी सज्जाद सहाना को पैसे के लिए परेशान करता था। सहाना की मां ने कहा कि सज्जाद ने उनकी बेटी का मर्डर किया है। सहाना की मां के मुताबिक सहाना अपने जन्मदिन पर परिवार वालों से मिलना चाहती थी, लेकिन सज्जाद ने इस पर भी रोक लगाई हुई थी। सहाना कई ज्वेलरी एड्स में काम कर चुकी थी और 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। 1 हफ्ते पहले सहाना की मां की सलाह पर दोनों अपने परिवार से अलग होकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए थे। पड़ोसियों के मुताबिक सज्जाद की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो देखने गए तो उन्होंने कहा कि सहाना कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर रही। पड़ोसियों के सुझाव पर सज्जाद ने पुलिस को सूचना दी। जी हाँ, आपको बता दें कि सज्जाद पहले कतर में काम करते थे और भारत में बेरोजगार थे। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सहाना के जन्मदिन पर सज्जाद देर से घर आए, जिस पर दोनों के बीच बहस हुई। बहस के बाद सज्जाद ने बाथरूम में सहाना को मृत पाया। बाथरूम से एक प्लास्टिक की रस्सी भी बरामद की गई है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि यह मामला सुसाइड का है या फिर मर्डर का। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।